आज हम फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग वेबसाइट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। ये हमारी वेबसाइट सीरीज की जो है लास्ट वीडियो है। इस वेबसाइट में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल ही फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट की तरह इसका जो डाउनलोडिंग का तरीका है वो भी बिल्कुल आपके सामने आसान तरीका ही होगा। इन वेबसाइट से आप बिल्कुल ही फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो ब्राउजर्स हों चाहे वो डाउनलोड मैनेजर हों। लेकिन मैं आपको इन वेबसाइट का एक मसला बता रहा हूँ इस आखिरी वीडियो में। इन वेबसाइट से आपको मुझे नहीं लगता कि हर किस्म का सॉफ्टवेयर मिलेगा, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिनसे आप अपनी सर्च करके सॉफ्टवेयर ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी, और इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको एक वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा तो आप इन 9 वेबसाइट्स पे विज़िट करें, हर एक एक पे जाएं और उन पर सर्च करें। उम्मीद है कि आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। ये वेबसाइट इसीलिए लेकर आया था ताकि आपको हर किस्म का सॉफ्टवेयर मिल सके, और ये टॉप 9 वेबसाइट्स हैं जिससे आप बिल्कुल ही फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी, चाहे वो ट्रायल का हो चाहे वो क्रैक का हो। मुझे तो इनसे फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड आपको पता ही है कि किस तरह के होते हैं, ज़्यादातर फ्री में ही होते हैं और 30-day ट्रायल पे ही होते हैं। इस वेबसाइट में मैं आपको बताऊंगा कि इस वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन सी किस्म के सॉफ्टवेयर आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या गेमें भी इस वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। पहले नंबर पे आपने जो टाइप करना है यहाँ पे लिखना है स्नैप फाइल्स, SNAPFILES, ठीक है जी। स्नैप फाइल लिखने के बाद आपने सिंपली इंटर कर देना है। लिख नहीं आया यार, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिखने हैं SNAPFILES। स्नैप फाइल्स लिखने के बाद हम सिंपली इंटर कर देते हैं। थोड़ी सी माजरत, थोड़ी सी आपको पता है क्या होगा, थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपने सिंपली पहले नंबर पे एक लिंक है उसी पे क्लिक करना है। इसके अलावा कोई और पे क्लिक ना किया करें ताकि आपको ऐसी वेबसाइट पे ना लेके सॉरी ऐसी वेबसाइट पे ना विजिट करना पड़े जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं। इस वेबसाइट पर आपको होम में जाते हैं, हम इस वक्त होम में मौजूद हैं। होम में आपके सामने बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, न्यू रिलीज अपडेट, ठीक है जी, आपके सामने कितने सॉफ्टवेयर यहाँ पे पड़े हैं। उसके बाद इनकी रेटिंग भी आपके सामने यहीं पे शो होती है, ये देखें जी इनकी रेटिंग। उसके बाद हम जाते हैं फ्रीवेयर में। फ्रीवेयर में आपको पता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। फ्रीवेयर कैटेगरीज में जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं पॉपुलर फ्री कैटेगरीज, इंटरनेट टूल्स, ईमेल सिस्टम यूटिलिटीज, मेंटेनेंस, ग्राफिक, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ये भी स्नैप फाइल्स एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप बिल्कुल फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरी वेबसाइट सॉरी आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको इनसे डाउनलोडिंग करने का तरीका भी पता लग सके। उसके बाद आप जाते हैं लेटेस्ट डाउनलोड में, यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड यानी कि अपग्रेड हुई है। हम देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ज़्यादा टॉप पे जा रहा है। यहाँ पे पावर स्पाई आ रहा है, कोर टू आउटलुक, ठीक है जी, इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके सामने, लेटेस्ट न्यू रिलीज एंड अपडेट्स, ठीक है। उसके बाद जी हम सिंपली यहाँ पे अगर सर्च करते हैं, आपको मैं सर्च करने में एक ही सॉफ्टवेयर बार बार क्यों इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको इन सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग करने का बताना है और इस वेबसाइट का तारफ करना बताना है, ना कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके बताना जो आपको किसी दूसरी वेबसाइट में नहीं मिल रहा। हाँ, अगर आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर वो सॉफ्टवेयर वो नहीं मिल रहा तो आप मुझसे रब्ता करें, कमेंट करें, ईमेल करें, जो कुछ करें। उस वेबसाइट उसका नाम सॉफ्टवेयर का, आप उसका क्रैक चाहते हैं कि फ्री डाउनलोड चाहते हैं, उसका कमेंट करें ताकि आपको मैं उसका जो है लिंक आपको दे सकूं। चलिए जी हम यहाँ पे सिंपली कर देते हैं क्रोम, CHROME, और इसके बाद हमारी जो सीरीज होगी वो हायरनबूट सीडी के बारे में होगी। हायरनबूट सीडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सॉरी ऐसी ISO फाइल है या ऐसी विंडोज कह लें जिससे आप किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आप एक USB अटैच करेंगे और आपका जो कंप्यूटर का सारा माल होगा वो आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो को, स्नैप फाइल्स को।
हम सिंपली यहाँ पे देखते हैं जी क्रोम, हमारे पास कितने क्रोम्स आ जाएंगे, ब्राउजर हिस्ट्री स्पाई, ठीक है जी, फैब बैकअप, गूगल क्रोम। हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड मैनेजर। मेन मकसद हमारा सर्च करके किसी सॉफ्टवेयर को, ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना जो आपको मिल नहीं रहा होगा, ऐसा मकसद नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे करते हैं डाउनलोड मैनेजर, DOLOADMANAGER। डाउनलोड मैनेजर करने के बाद हमने सिंपली यहाँ पे इंटर किया। इंटर करने के बाद देखते हैं कि कौन सी हमारे साथ, हमारे सामने व्यू आता है, कौन सा इंटरफेस आता है। ये देखें जी, डाउनलोड मैनेजर सर्च रिजल्ट फॉर डाउनलोड मैनेजर। यहाँ पे देखें जी, फ्री डाउनलोड मैनेजर, हाई डाउनलोड प्लेंटियम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो हमारे पास टॉप पे चल रहा है। लेकिन इसमें भी एक मसला आता है कि ये कुछ कैटेगरीज दिखाता है, कुछ कैटेगरीज नहीं दिखाता, कभी ये पूरी कैटेगरीज दिखाता है, कोई पूरी नहीं। हम सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपने कभी नहीं चलाया होगा, हम यहाँ पे निंजा डाउनलोड मैनेजर कर लेते। मेन मकसद हमारा सिर्फ जो है आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है इस वेबसाइट से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बारे में। आपके सामने एक ऐसा बटन आएगा जो आपके निंजा डाउनलोड मैनेजर के बिल्कुल ही नीचे होगा, ना कोई दूर जाने का होगा। हम सिंपली अगर आपको इसकी रीडिंग करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी फीचर्स मौजूद हैं, तो आप इसकी रीडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। डाउनलोड निंजा मैनेजर यहाँ पे भी उन्होंने लिंक दिया है, और यहाँ पे भी इन्होंने एक ऐड दी हुई। हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ही नीचे जाएंगे, डाउनलोड मैनेजर निंजा पे क्लिक, लिंक पे क्लिक करेंगे, और snapfiles.com की जो निंजा फाइल डाउनलोडिंग होगी वो स्टार्ट होने शुरू होना कैसे होगी हम बताते हैं। डाउनलोड निंजा डाउनलोड मैनेजर को आपने सिंपली यहाँ पे एक बार फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखें जी, हमारा IDM ओपन हो गया है, इसमें निंजा फाइल डाउनलोड मैनेजर हो गया है। दिखाते हैं जी आपको कॉम पे आया, ये देखें जी हमारे पास निंजा यहाँ पे, ये देखें जी हमारे पास निंजा डाउनलोड मैनेजर का जो लिंक है वो यहाँ पे है। हम सिंपली अब इसको स्टार्ट डाउनलोड पे करेंगे तो हमारी डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। बस चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी इन वेबसाइट से डाउनलोड करने का तरीका, और हमारी लास्ट वीडियो प्लेलिस्ट की या हमारे कोर्स की। अब कह लें हमारी एक वेबसाइट है unyoutuber.com, जिसका लिंक मैं आपको आइंदा कोर्सेज में बताऊंगा।